पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारत पाक पीओके पर कब्जा करेगा, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। से जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल, सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे, कश्मीर को लेके। जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीर को कश्मीर के राइट्स, कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है, विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के हालात कुछ ज्यादा ही बुरे चल रहे हैं। पीओके की जनता ने धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में जो डेवलपमेंट देखी है उसे देखकर अब पीओके की जनता खुल के भारत के पक्ष में आ गई है और बोल रही है कि हमें भारत में ही मिलना है। दोस्तों कुछ टाइम पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि पीओके के हमारे भाई बहन खुद ही मांग करेंगे कि वो अब भारत के साथ रहना चाहते हैं। हमारे विदेश मंत्री तो हर मंच से यही बोलते हैं कि पीओके भारत का इंटरनल पार्ट है और इसमें हम किसी की भी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बयानों और पीओके की जनता की मांग को देखकर पाकिस्तान को भी अब ये लगने लगा है कि तीसरी बार मोदी जी के आते ही भारत सबसे पहले पीओके को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, इस बार पीओके भारत में मिल जाएगा या अभी भी इसमें लंबा समय लग सकता है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। चुप को जो है तोड़ ही दिया है अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का है और कश्मीर की खातिर हम भारत से 300 जंगे करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को कभी कश्मीर हासिल होने नहीं देंगे। ये बयान हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे, इनकी राय जानेंगे, क्या पाकिस्तानी अवाम भी कश्मीर की खातिर जंग करने के लिए, जहाद करने के लिए और कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए रेडी है? जो है इंडिया के साथ हर किस्म के लिए तैयार हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं और आज़ाद कश्मीर, कश्मीर जो है ये पाकिस्तान है, आपको किसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है? हाँ। कश्मीर हमारा घर है, कश्मीर हमारा दिल है। हम इंडिया के कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर जी, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, हमारा घर है, कश्मीरी हमारे भाई हैं। हम अपने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ के बिल्कुल बयान की हमायत करते हैं और हम उनके शाना बशाना इनके साथ हैं। तीन चार जंगे कर ली, मतलब 296 जंगे अभी बाकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच। जी हम अभी भी तैयार हैं, इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं, इंडिया को हम जो है वो किसी भी किस्म का जो है ना वो कश्मीर पे काबिज नहीं होने देंगे। चाहे तो रेत की तरह हाथ से फिसल गया ना, आर्टिकल भी हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब क्या रह गया जी बाकी? जी हम जो है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम कश्मीर की हमायत में हैं। अगर हमें लड़ना पड़ा, जहाद करना पड़ा, इंशाल्लाह हम जो है वो जाएंगे। पहले चार जंगे की हैं, भारत से शदीद नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान को, फिर से वजीर आजम ने जंग की बात कर दी। देखें जी कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा, तो ले क्यों नहीं लेते भाई अपने? तो अंदर लेंगे ना इंशाल्लाह, जैसे वजीर आजम ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिलके हम लड़ेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें किसने रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा दोबारा खजानों में आएगा तो क्या हम जंग करेंगे? ये जंग पैसों से नहीं लड़ी जाती, पैसों से जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे जो सिपा सलाहार है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो इंशाल्लाह आवाम और फौज पाकिस्तान कश्मीर के शाना बशाना है। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। आवाम भी कह रही है जो लड़ने के लिए तैयार है कश्मीर हासिल जी, हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। जी जी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिपा सलारा जो हमारे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे शाना बशाना हो इंशाल्लाह। तो उधर भी तो मुसलमान खड़े हैं ना, उनके फौज में भी मुसलमान हैं, आप पूछे इनसे। जी जी बिल्कुल, हर मुसलमान हमारे साथ है और भी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं तो वो भी हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा अंकल जी, आजे कश्मीर के लिए जंग करेंगे?
इंशाल्लाह इधर आ जाए हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। काकड़ साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को हासिल करने के लिए भारत के साथ 300 जंगे करेंगे इंशाल्लाह करेंगे 400 करेंगे हम 400 जंगे और बढ़ा दिया हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। भारत जो करता जा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम कह रहे हैं जंगे कर रहे हैं कर क्यों नहीं रहे हुकूमत कुछ करे थे साथ अच्छा जिस टाइम भी कहना नहीं साथ है अभी कह रहे हैं अभी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सिपा सलार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ साहब हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। चलिए जी इनसे बात करते हैं क्या मामला है जी कश्मीर का। पाकिस्तान कहता है हमारा है इंडिया ने जो है पूरे कश्मीर पे अपना कंट्रोल जमा लिया जी। मैं पठान हूँ मैं अपर अच्छा। जीर के रहने वाला हूँ जो जीरकोट है बाग है अजरा है ये सारा कश्मीर आजाद कश्मीर है ये हमारा बड़ों ने ले लिया है अच्छा, इंडिया से अच्छा। और अब खाली हमको हुक्म दे देना हमारा गवर्नमेंट और फौज अच्छा। हुक्म देगा तो 100 जंग वो 300 जंग बता रहे ना हम सारा उम्र उसके साथ लड़ेंगे जब अच्छा। तक हमारे साथ चल रहे हम लड़ेंगे उसके साथ अच्छा। हम कश्मीर उसको नहीं देंगे कभी जिंदगी पे ये जन्नत है और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं पाकिस्तान में 24 करोड़ बात ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा ले मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता होता एक्चुअली आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था लेकिन बाद में जब जंगें हुई डिवाइडेशन हुई उसके बाद कश्मीर उनको उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में एक मेरा बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से बहुत सारी लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई लेकिन वो जाहरी बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। अच्छा, अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असम्बलियों में बढ़ा दी है उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पर बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे वो हमारा है हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे हमें ये बताया जाता है वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ ये हमारा है क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है ये किसी के बाप की जगीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है हमारी अदलिया हर चीज़ है हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं सब कुछ देख रहे हैं ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह हम ले के रहेंगे। ठीक है वो एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है मतलब मोहब्बत आपने देखा जैसे आपने जज्बा से बोला कश्मीर हमारा है मुसलमान हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से यानी टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की और टूरिज्म बहुत सारे उन्हें मुल्क से भी आते रहे हैं और बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज्म से कमाया इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है क्योंकि वहाँ पर थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें वो कश्मीर किसा है किसका नहीं है एक अलग टॉपिक है जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सारा रेवेन्यू